होगा ना मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक व्लॉग है, सबसे खतरनाक। अब नहीं पता क्या होगा भाई हमारे साथ, क्योंकि घर भी इतनी दूर है, दूर दूर तक एकदम एकदम जंगल वाली। मैं भी 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ है, क्योंकि यार सब चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते भाई। वो जो रात थी ना भाई, मेरी लाइफ की सबसे भयानक रात थी वो, मतलब कि ऐसा कुछ हमारे साथ घटित हुआ है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है ना भाई, खतरनाक भी होने वाला है और एडवेंचर भी होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं भाई सरिस्का के एक ऐसे जंगल में जहाँ पर जानवर भी रहते हैं, साथ साथ मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं भाई वहाँ पर कैंपिंग, जहाँ पर लगभग दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है। मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब है कि बारिश आने वाले कभी भी बारिश आ सकती है। तो भाई आज हम इस जगह पे कैंपिंग करेंगे, और कैंपिंग के साथ साथ भाई आज हम यहाँ पर पूरी रात रुकेंगे, पूरी रात सर्वाइव करेंगे, खाना पीना रहना टेंट वगैरह लगा के सब कुछ, एडवेंचर भी आप लोग समझ सकते हो ऐसा कुछ होने वाला आज वाली वीडियो में। और रात को भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यार जब भाई हम इधर आ रहे थे ना, तो उस टाइम यहाँ के गाँव वालों ने हमको वार्निंग दे दी थी कि भाई आप वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। बट हम फिर भी वहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर फिलहाल दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो भाई देखते हैं क्या होता है, फिलहाल को तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना अपन यहाँ पर टेंट लगा लेते हैं, जिससे हम रात को सर्वाइव कर सके। तो भाई मेरे पास है भाई सबसे पहले ये टेंट, ठीक है, और उसके बाद है मेरे टीम मेंबर सारे, और हमारे पास कुछ गैजेट्स भी हैं जो इनके अंदर रखे हैं, और खाना बनाने के लिए हमारे पास ये पतीली भी है, और चूल्हा बनाने के लिए भाई हम यहाँ से ही पत्थर इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और ये बजाने के लिए हमारे पास गिटार है, और बजाने के लिए वैसे सिस्टम भी है, ठीक है। तो गाइस आपने जैसे कि सुना, ये सिस्टम बजाएगा आज रात जंगल के अंदर। खाने के लिए हमारे पास मैगी है, और क्या है, मैगी है बस, ठीक है। बस तो अब होने वाला है भाई जंगल में मंगल। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो, और सबसे पहले अपन लगाते हैं टेंट। अब जो सचिन जो है वो टेंट लगा रहा है, क्योंकि हम में से सिर्फ उसी को जो है ये टेंट लगाना आता है, किसी ने पहले ट्राई नहीं किया है, ये जाता रहता है एडवेंचर्स पे, इसीलिए इसी को आता है गाइस। तो देख सकते हैं ग्रे कलर का है ये, बहुत ही जो है बड़ा है, देख सकते हैं। आई थिंक हम सारे तो इसमें नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ चार लोग शायद इसमें आ सकते हैं, साथ भी एडजस्ट हो सकते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई, डबल के स्लीपर में पांच जने बिठाना। भाई हमारा जो टेंट है ना वो रेडी हो चुका है, बड़ी मेहनत के बाद, क्योंकि हमको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था लगाने का, बट फिर भी हमने कोशिश की और हमारा टेंट भाई रेडी है, जो कि हमारे रात का मतलब रात को रुकने का पूरा इंतजाम इसमें होगा। भाई साहब देख रहे हो मौसम कितना खराब है, बट मौसम खराब होते सोते भी हम कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा टेंट का काम तो वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमको रात को यहाँ पर रुकना है, अगर बारिश भी आ गई ना तो बारिश के अंदर हमको यहाँ पर ही रुकना है, और बाकी खाने पीने का सामान बाद में बनाएंगे, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि यार अभी टेंट लगाया है, सारे लोग थक चुके हैं, क्योंकि यार किसी को लगाने नहीं आता था। तो फिलहाल को लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं, लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाते हैं। आग जलाने से ये होगा कि कोई जंगली जानवर आता है ना तो हमारे पास डर के मारे नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल वो टेंट आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर देखो बहुत सारा स्पेस है, जिसमें लगभग चार पांच लोग आराम से आ सकते हैं, और हमारे पास चार पांच लोग ही हैं, कैमरे मैन को बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब लकड़ी लाते हैं सब लोग और इकट्ठे करते हैं। तो भाई फिलहाल का एक सीन हमारे साथ गलत हो चुका है, क्योंकि यार यहाँ पर आ चुकी है भयंकर बारिश, भयंकर वाली बारिश आ चुकी है, और फिलहाल को है ना हम लोग बैठे हैं सब लोग हमारे इस घोंसले में, जो भी टेंट है, और इधर से पानी आना शुरू हो चुका है फिलहाल, और ये टेंट है ना भाई हमको नहीं पता कब तक बचाएगा, और बहुत बुरा हाल हो चुका है फिलहाल, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा की है और कुछ बना नहीं सकते। तो फिलहाल बारिश रुकने का वेट करते हैं, और शायद ये हमारी आज सबसे बड़ी गलती थी कि आज हम यहाँ पर आए, सही बात है ना। बिल्कुल भाई पानी आ रहा नीचे से, क्या है ये, देखो यार भाई साहब नीचे पानी आने शुरू हो गया भाई। अब नहीं पता क्या होगा भाई हमारे साथ, क्योंकि घर भी इतनी दूर है, दूर दूर तक कोई इंसान ही नहीं है भाई, अब क्या करें हम लोग, क्या ना करें,
बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि बढ़िया एडवेंचर करेंगे, पर यार ये सिस्टम गलत हो चुका है। क्या करें, खा नहीं सकते भाई, पानी टपक रहा है, पानी टपक रहा है। बट वेट करते हैं बारिश रुकने का, और फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। 2000 years later. तो भाई फिलहाल है ना बारिश रुक चुकी है, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, और ये लोग तो भाई अंदर ही इसके अंदर। और भाई दिखाता हूँ, देखो पानी भर चुका है इधर, पत्थर वगैरह गिरे। भाई फिर से शुरू हो गई रे, वापस फिर से शुरू हो गई है बारिश, वापस अंदर जाना पड़ेगा यार। हमारे पानी ये रखा है, गाड़ी इधर खड़ी है, और भाई भूख लगी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10 बज चुके हैं और ये लोग मस्ती कर रहे हैं अंदर। और भाई देखो 10 बज चुके हैं फिलहाल। तो भाई फिलहाल है ना बारिश रुक चुकी है, सब लोग रेडी हो चुके हैं, भाई भूख लगी है बहुत ज़्यादा, और वो गिटार बजा रहे हैं वहाँ पर। और भाई इधर देखो बारिश रुकने के बाद इधर क्या हाल है दिखाने, एक बार देखो भाई जूते का क्या हाल हो चुका है, पानी इसके अंदर घुस चुका था, सामान था ना वो बाकी हम अंदर कर चुके थे, बाकी सारे कोने में पानी आ चुका था। और एक बात बताऊँ यार, रियली बता रहा हूँ, यहाँ पर जंगली जानवर की इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, जैसे वो बोल रहे हो कि हमको भी ले लो अंदर, ठीक है। तो फिलहाल का ऐसा सीन है, बट अब बारिश रुक चुकी है, और अब हम लोग है ना मैगी वगैरह बनाने वाले हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और टाइम की बात करूँ ना 10:18 हो चुके हैं अभी ऑलरेडी, तो अभी हमको बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा, और बारिश फिर से आ सकती है। तो पहले मैगी बना लेते हैं, क्योंकि यार वो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते खाए बिना। वैसे बताया कि एक दिन में कुछ नहीं होता, फिर भी मेरे अंदर भूख इतनी ज़्यादा लगती है कि मैं खा जाऊँगा सब कुछ, ठीक है। तो फिलहाल भाई फिलहाल है ना बारिश रुक चुकी है, और पूरा माहौल बन चुका है हमारा फिर से। तो मैं आपको एक गाना सुनाने जा रहा हूँ, जिसको कॉपीराइट मत मारना, ठीक है, मेरा खुद का ही है। तेरे यार मारना, अरे किसी को आता ही गाना, मेरे को बजाना आता है, किसी को गाना आता है बताना, मेरे को आता है, सब कुछ सब सुन लेना, कोई सा गाना 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 है, कोई सा भी, एक लाइन, हाँ एक लाइन। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तो बताओ सुन भी कर क्या मारा तू यार, इसको आ नहीं रहा, मेरे को सबको बजाना आ रहा है, दोबारा बजा, दोबारा बजा, लग जा गई सही। एक गाना पेश है आप लोगों के सामने, तेरे यार मान मान मान, क्या हो रहा है यार ये, तेरे अभी मैं गिच 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 की गोली लो, गिच गिच दूर करो, ये सुन लो बस आप। चलो मैगी बनाते हैं। तो गाइस इसकी आवाज जो है वो सुन के सारे जो जंगली जानवर है वो भड़क उठे हैं। तो भाई फिलहाल है ना लकड़ियां भी आ चुकी है, और ये लकड़ियां ना बड़ी मेहनत से लानी पड़ी है, क्योंकि यार बारिश आने के बाद सब गीला हो चुका था, और ये हम कहाँ से ढूंढ के लाए ना वो हमको ही पता है। तो फिलहाल है ना जाते हैं मैगी बना लेते हैं, भूख लगी है बहुत ज्यादा, क्योंकि 12 बजने वाले रात के। चलो भाई सेट रेडी करो जल्दी। तो भाई हमारा चूल्हा एकदम रेडी है, सुजीत भी रेडी है। हाँ भाई सुजीत क्या बना रहा है? गाइस बनाने तो वाले हैं हम मैगी, देखते हैं पहले ये जलता भी है या नहीं जलता। लकड़ियां जो हैं देखो यार, तो थोड़ी थोड़ी पता है हमने चूल्हा कैसे बनाया, आसपास के पत्थर इकट्ठा करके चूल्हा बना लिया, और आसपास की लकड़ियां इकट्ठा करके, वो भी बढ़िया लकड़ियां कहीं जा रही है, इसको निकाल दे, इसको निकाल दे, ये दिक्कत कर रही है, ठीक है। अब इसके अंदर आग जलाएगा, और भाई इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि ये आग है ना हम बुझा के जाएंगे यहाँ से, जंगल में कोई आग नहीं छोड़ेंगे, और ना ही कोई कचरा छोड़ेंगे। तो फिलहाल आग जलाने के लिए रेडी हो चुका है हमारा सुजीत। तो भाई फिलहाल है ना ये आग जल चुकी है, जो आप लोग देख सकते हो, और भाई ये सिर्फ हमारी लकड़ी और लकड़ी की मेहनत है, लकड़ी से हमने ये आग जलाई है। और भाई फिलहाल इसके अंदर है पानी, ठीक है, और ये पानी से, पानी के अंदर हम गिरेंगे मैगी, उसके बाद प्रॉपर मैगी बन जाएगी, और हम पानी और मैगी, पानी और मैगी डाल के मैगी बनाने वाले हैं, कोई नमक मिर्ची नहीं है, एकदम एकदम जंगल वाली मैगी, ठीक है। तो फिलहाल मैगी बनाते हैं और खाते हैं। तो भाई फिलहाल है ना एकदम आग चल चुकी है, और मैगी तैयार है, मैगी पैकेट देना भाई, ये भाई मैगी का पैकेट है जो कि 55 रुपये का आता है अभी। तो फिलहाल मैगी डालते हैं और मैगी बनाते हैं, और रियली बता रहा हूँ आग जलाने के बाद ना आँखों का हाल देख सकते हो, धुआं से ये हाल हो चुका है इसका। ले भाई मैगी डाल इसमें जल्दी।
तो भाई फिलहाल है ना मैगी बन चुकी है लगभग, अभी थोड़ा सा कसर बाकी है, बट हमारा जो आग है ना वो जल नहीं रही है फिर। और भाई ये ना फूंक दे रहा है, फू फू कर रहा है। तो कैसा लग रहा था पहली बार भाई साहब? और इधर देख सकते हो पूरा जंगल जंगल है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, झाड़ ही झाड़ है। तो फिलहाल मैगी बन जाए उसके बाद खाएंगे भाई साहब। आ हा हा भूख लग रही है, इतना मस्त लग रहा है। चूहे डांस कर रहे हैं, सही बता रहा हूँ। चूहे सोच रहे हैं क्या ना इंसान भी कर रहे हो भाई, खिला दो कुछ ना कुछ, बट यार मैगी खा लेते हैं। 12 बज चुके हैं, 12 बज के यार क्या करें अब, तो मैगी बनती है उसके बाद है। यार एडवेंचर एकदम बताऊँ एकदम मस्त हो रहा है। इसके बाद है ना मैगी बनने के बाद अपन डांस करेंगे जिनका लाला उर उर पे, ठीक है? जोर से जला दी, जल गई। तो भाई फिलहाल है ना हमारी मैगी बनके रेडी हो चुकी है, जो ये दिख रही है, अब जैसी भी दिख रही है खाना पड़ेगा क्योंकि भूख लगी है बहुत ज्यादा, ठीक है? तो मैंने है ना सबसे पहले डलवा के लेके आ गए, बाकी मेरे को और डलवाना है, तो खाते हैं भाई। भूख बहुत ज्यादा भूख लगी है, सही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा लगी है क्योंकि यार रात के 12 बजे आते हैं। मेहनत मैंने की है ज़्यादा। ये लोग थंबनेल ले रहे हैं, देखो पोजीशन देखो इनकी भाई। उसके चैनल पे जाके लाइक कर सब्सक्राइब कर देना। नाम क्या है तो भाई ये थंबनेल के बीच में रोक के ना वीडियो को, तो फिर ये बोला है नाम तो बता, तो जाके कर देना आप लोग भी। बाकी ये खाते हैं भाई, मस्त लग रही है मेरे को, तो भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, पेट इतना सा हो गया इतना सा। और उधर भाई देखो लूट चल रही है, मैगी की लूट चल रही है इधर। किसी को सबर नहीं है भाई खाने के लिए। भाई मैंने डाल दो यार, डाल दो यार भाई, डालो लूटो भाई जंगल वाली भाई। सबको भूख इतनी ज्यादा लगी है, किसी को सबर नहीं हो रहा, अब 12 बज गए यार। और इधर देखो हमारे गायक कलाकार। हाँ हाँ भाई साहब क्या ही मैगी है, मेरे को फिर से मिल गई। और भाई वही यार आज मेरा हाथ जल रहा है यार, रुक जाओ यार बैठने दो इसको बैठ, उठ जल्दी उठ हाँ हाँ यार। ओ भाई हाथ जल गया पूरा यार, गर्म है बहुत ज्यादा। ये उठ गया चुपचाप यार से कि तू क्या कर रहा है इधर, ये चम्मच निकाल रहा है बैग में से। और उधर देखो मैगी बट रही है भाई, क्या ही सीन हो रहा है, सब लोग मैगी के लिए इतना ज्यादा कुछ कर रहे हैं। मेरी चम्मच आ भाई चम्मच मिल गई। आहा आप खाएंगे मैगी मस्त भाई, सही बताऊँ ना तो सही बताऊँ भाई, भूख लगी बहुत ज्यादा। अब नहीं होता सह, काश घर पे होते बर्बर खाता खाना। करेंगे अभी अभी आपके लिए नमक लाया जाएगा, ऑर्डर कर रहे हैं स्विगी से। लो आप भी लो, ले लो ले लो, ऐसा मत देखा खा नहीं पाऊंगा। सही है भाई, बहुत टेस्ट है यार। ओए पार्टनर हम जो है यहाँ पे गाना गाने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। ऐसे तो जल्दी जानवर आ जाएंगे, शुरू करते हैं, शुरू करो। फिलहाल का कुछ सीन ऐसा है, अभी भाई
गाना वाना भी हो चुका और मस्ती भी हो चुकी, खाना वगैरह भी हो चुका। अब बज चुके हैं रात के 2 और अब शायद हमको नींद आ चुकी है क्योंकि हमारी लाइट वगैरह सब कुछ डिस हो चुका है, फोन वगैरह भी डिस हो सकता है, कैमरा भी चल रहा है। और अब जा रहे हैं सब लोग सोने के लिए और फिलहाल मैं करता हूँ गुड नाइट और मिलते हैं आप लोगों को सुबह 4:30 या 5 बजे। हम उठ के यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब होने वाला है और जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं भाई सोने के लिए, और भाई चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तो गाइस मिलते हैं सुबह भाई, नींद आ रखी है बहुत भयंकर, गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो भाई अभी हो चुका है दूसरा दिन और हम लोग कल रात को कैंपिंग कर रहे थे ना, तो भाई वो जो रात थी ना भाई मेरी लाइफ की सबसे भयानक रात थी वो, मतलब कि ऐसा कुछ हमारे साथ घटित हुआ है जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि यार उस रात को है ना, जब तो पहले तो थोड़ी थोड़ी बारिश आई वो रुक गई थी, फिर हम लोगों ने मैगी वगैरह बनाया, खाना वगैरह बनाया, उसके बाद डांस वगैरह किया, गाना वगैरह बजाया और भाई उसके बाद जो हुआ ना वो शायद किसी, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता ऐसा भी कुछ होगा किसी के साथ, ठीक है। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग सो रहे थे और इतनी भयानक बारिश आई भाई, इतनी तेज़ बारिश आई थी वहाँ पर कि हमारा था ना बहुत बुरा हाल हो चुका था। अभी का सीन बताओ ना, तो अभी भी देखो बादल ऐसे हो रखे आसमान में, मतलब कि शाम का टाइम हो चुका है दूसरा दिन का और देखो पानी अभी तक इस पर भरा है, सुबह की बारिश का पानी अभी तक भरा है छत पे। तो सोच सकते हो भाई कितना बुरा हाल हुआ होगा हमारा वहाँ पर, मतलब कि इतनी तेज़ बारिश आई, हमारा जो टेंट वगैरह था ना वो सब कुछ बह गया था। हम लोग बारिश के अंदर मतलब कि एक पेड़ को पकड़ के ना वहाँ पर बैठे हुए थे, जो हमारा कैमरा था वो भी ख़राब हो चुका था, जो मेरा पर्सनल फ़ोन था जो एंड्रॉयड वाला वो भी ख़राब हो चुका पानी जाने की वजह से, मैंने उसको रिपेयरिंग में डाल रखा है, और जो आईफोन था वो थोड़ा सेफ बचा हुआ है। तो जो कल वाली कैंपिंग है ना हमको बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है और शायद ये चीज़ है ना हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हम लोग है ना ख़राब मौसम में भी कैंपिंग करने गए, बट यार हमारे जितने भी डिवाइस हैं वो सारे ख़राब हो चुके हैं और मेरी लाइफ का ना ये सबसे महंगा वीडियो बना रहा है, मतलब कि सबसे महंगा वीडियो है। इसमें हमको ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, लगभग 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ है, क्योंकि यार सबके फ़ोन थे एंड्रॉयड और कैमरा भी था वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। वो शायद रिपेयर हो भी जाएगा बट लगता नहीं है मेरे को कैमरा रिपेयर हो पाएगा। और भाई जो आईफोन था ना उस वो स्विच ऑफ हो गया था उस टाइम, क्योंकि यार ये पानी जाने की वजह से ये भी स्विच ऑफ हो चुका था, मैंने सोचा ये भी काम से गया, बट उसके बाद पानी निकलने के बाद मैंने चार्ज लगाया ना इसको तो ये चलने लग गया था। तो वहाँ पर वीडियो बनाते हम लोग, बट यार वीडियो कैसे बना पाते, सारे फ़ोन ही ऑफ हो चुके थे। तो भाई मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ क्योंकि यार ये व्लॉग है ना मेरी लाइफ का सबसे ख़तरनाक व्लॉग है, सबसे ख़तरनाक। जो चीज़ हमारे साथ हुई है ना, जो एडवेंचर हम लोगों ने किया है ना कल रात को, जितनी मुसीबत से हमने झेला है ना वो शायद कोई नहीं झेल सकता। और हमने ना वहाँ पर सारा सामान था हमारा, जितना भी सामान था ना वहाँ ही छोड़ के ना बारिश होते ही वहाँ से आना पड़ा। तो भाई इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। मैं नहीं कहूँगा आज कि भाई आप लाइक करो, आपकी मर्ज़ी हो ना तो भाई लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना। और यार ये व्लॉग है ना बहुत ख़तरनाक व्लॉग था, रियली बता रहा हूँ, शायद रिकॉर्ड हो जाता ना तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आता क्योंकि हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।